नमस्कार दोस्तों, द धर्म न्यूमरोलॉजी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। डेट वाइज मतलब एक एक करके डेट वाइज जो लोग पैदा हुए हैं उसके हिसाब से अपना एक नया सीरीज उन्होंने चालू किया था, तो उसी में हम आगे बढ़ेंगे आज अगले नंबर की तरफ। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के वीडियोज ऑलरेडी आ चुके हैं, आप यूट्यूब पे अपने चैनल पे जाकर के देख सकते हैं और अच्छे लगे तो जरूर बताइएगा। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर के बारे में और आज का हमारा नेक्स्ट नंबर है नंबर 4। 4 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं वो लोगों का कैरेक्टर कैसा होता है, मतलब उनमें उनकी क्या क्या खासियतें होती है, उनके अंदर क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और क्या क्या उनको थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए जिससे थोड़ा सा उनका लाइफ और अच्छा हो सके, है ना। तो यही सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर जो है वो राहु का है ना, और राहु एक छाया ग्रह है। तीसरी चीज के राहु सर है, उसका बॉडी नहीं है, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि राहु और केतु, केतु मतलब नीचे का बॉडी बिना सर का और राहु मतलब सर विदाउट बॉडी, ये है। तो जब सर की बात आ रही है तो दिमाग की बात आ रही है, तो इसमें मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है जिनका 4 तारीख को जन्म हुआ है। ये लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, दिमाग बहुत अच्छा होता है, और जिसके अंदर दिमाग होगा तो डेफिनेटली उसके पास में लीडरशिप तो होगी होगी और इनोवेशन, क्योंकि इसके पास में बॉडी नहीं है, है ना। राहु के पास में, थोड़ा समझना इसको, राहु के पास में बॉडी नहीं है, सिर्फ दिमाग है, तो वो क्या करेगा, बैठे 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 वो सोचेगा, तो ये क्या करता है कि आउट ऑफ द वे जाके सोचता है। हमारे जो भी तौर तरीके हैं, जो भी सिस्टम है, वो सिस्टम्स के अलावा भी वो बहुत कुछ बाहर जाकर के सोचता है, आउट ऑफ द टॉपिक जाकर के सोचने की कोशिश करता है। इसकी वजह से ये क्या करता है, बहुत सारी इनोवेशन लेके आता है। अभी कैसे पता चलेगा, तो अगर आप में से कोई 4 तारीख को पैदा हुआ है या जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों का काम करने का तरीका एकदम अलग होता है, चाहे वो आप ऑफिस में काम कर रहे हो या किसी को कोई आइडिया देना है, तो बाकी सब लोगों का आइडिया कुछ और होता है और आपका जब आइडिया आता है तो वो उन आइडिया से अलग टाइप का आइडिया होता है। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि अलग टाइप से सोचते हैं, इनका सोचने का जो है ना वो एकदम अलग होता है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के साथ में इनका कई बार नहीं भी जमता है, ये होता है, वो हम आगे देखेंगे। ये लोग बीमार बहुत कम पड़ते हैं, ज्यादा बीमार ये लोग नहीं पड़ते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि टेक ग्रेट केयर इन ऑल द टास्क, इनका एक सबसे अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो जो भी काम लेकर के बैठ जाते हैं ना, उस काम का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। समझो कोई प्रोजेक्ट लेकर के बैठ गए तो उस प्रोजेक्ट में जितने लोग हैं, काम कहाँ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, उन सब चीजों पे बहुत ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा चीज ये ना कि ये जब कोई काम लेकर के बैठते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि उस काम के बारे में, है ना, थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे उसके बारे में, खोजबीन जांच पड़ताल सारी चीजें करने के बाद में ही वो आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए कि किसी भी काम को स्टार्ट करेंगे तो स्मार्ट तरीके से करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, मतलब इन्होंने एक बार अपना काम कर लिया या कोई काम लेके बैठ गए तो उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं, बीच में वो उसको हाथ ऊपर करने वाले लोग नहीं होते हैं, तो ये और अच्छा इनका प्लस पॉइंट है। उसके बाद एक चीज जो इनके साथ में जो कनेक्ट की गई है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को आप कैसे समझोगे कि ये जो भी सिस्टम चल रहा है ना, उस सिस्टम को फॉलो करने वाले होते हैं काफी हद तक। इसको आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपकी ऑफिस में या कैंटीन में कहीं कुछ खाने का इंतजाम किया गया है, शादी में कहीं इंतजाम किया गया है, और समझो वो रसोई वाले जो हैं, जो कैटरर्स हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो 4 नंबर वाले जो लोग होंगे ना, वो जाकर के उसके साथ आर्ग्यूमेंट और झगड़ा भी कर देंगे कि भाई तेरे को पैसा मिल रहा है, तू खाना कम क्यों बना रहा है, इसमें ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों नहीं कर रहा है।
तो ये लोग है ना डिसिप्लिन ओरिएंटेड होते हैं, मतलब हर चीज में वो डिसिप्लिन की कोशिश करेंगे। अगर आप गाड़ी 4 नंबर वाला आपके साथ में कोई बैठा हुआ है और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बिना काम के ब्रेक मार रहे हो, तो आप पे चिल्लाएगा क्यों ब्रेक मार रहा है, क्यों ओवर स्पीड कर रहा है। तो मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये चीज सिस्टम को फॉलो करने वाले भी होते हैं और एथिकल तो होते ही हैं। एक चीज आप सबने देखा होगा कि 4 नंबर को काफी हद तक है ना थोड़ा नेगेटिव मान लिया गया कि 4 नंबर राहु जो होता है वो गंदे रिजल्ट देता है, प्रॉब्लम देता है। तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि 4 नंबर जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, अड़चन नहीं बोलेंगे आप इसको, 4 नंबर अड़चन नहीं पैदा करता है। वो क्या करता है, आपको प्रेडिक्शन करता है, प्रेडिक्ट करता है कोई चीज को लेकर के। अगर आप कोई प्लान लेकर के किसी 4 नंबर वाले से डिस्कस करोगे कि भाई मैं ऑफिस खोलने वाला हूँ, मैं बिजनेस करने वाला हूँ, या अपन हम लोग यहाँ जाने वाले हैं वहां जाने वाले, ऐसा कोई भी टॉपिक आप उनके साथ शेयर करोगे ना, तो उसके बारे में वो इतना डीपली सोच लेगा कि आगे जाके क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है या ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारी चीजें वो पहले से बता देता है। प्रोएक्टिव होते हैं ये लोग, तो उसकी वजह से कई बार लोगों को लगता है कि नहीं यार ये अड़चन पैदा कर रहा है, ये प्लान खराब कर रहा है हमारा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये क्रिटिक होते हैं, ये गलतियां पहले पकड़ लेते हैं। 4 नंबर वालों की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है ना कि वो कहीं से भी गलतियां निकाल लेते हैं। तो आप कोई भी प्लान लेके जाओ, बिजनेस आइडिया लेके जाओ, तो कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है, कहाँ कहाँ आप गलत हो सकते हैं, वो सारी चीजें ये लोग आपको बता सकते हैं। उसके बाद में ये एक लोग इन लोगों का एक और प्लस पॉइंट ये होता है कि ये जुगाड़ू होते हैं। जुगाड़ू इन द सेंस कैसे के कंडीशन के हिसाब से अपने आप को घुमा देते हैं। मतलब समझो आप कुछ काम लेकर के बैठे हो और काम कहीं रास्ते में बिगड़ गया है, या समझो आप कहीं जा रहे हो और वहां रोड पे ट्रैफिक है, या शायद आप वहां पे नहीं पहुंच पाओ, या कोई सामने वाला इंसान आपसे नहीं मिल पाएगा, ऐसा कुछ है, और आपके साथ में 4 नंबर वाला है, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा देगा उधर। एक काम करते हैं ना, वो कहाँ पे उसको ये पूछ ले, सामने वाला अगर घर पे तो घर पे मिल लेते हैं, अगर वो कहीं रास्ते में मिल सकता है तो रास्ते में मिले, मतलब कुछ न कुछ ये अल्टरनेटिव आइडिया निकालते रहते हैं। ये जुगाड़ू होते हैं थोड़े से, और ये ट्रेडिशन के हमारे जो भी है रीति रिवाज उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि ये पहले उन रीति रिवाजों को समझने की कोशिश करते हैं, बट जब उनको लगता है कि नहीं यार ये रीति रिवाज सही नहीं है, तो ये फिर उसके खिलाफ जा करके बैठ जाएंगे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ राजा राममोहन राय का, उनका भी ड्राइवर नंबर 4 था। अगर उनको देखोगे ना तो उन्होंने क्या किया, बाल विवाह पे रोक लगा दी, सती प्रथा पर रोक लगा दी, जबकि बाल विवाह और सती प्रथा ये ऐसी चीजें थी ना जो कि ट्रेडिशन था, एक रीति रिवाज के तौर पे चलता आ रहा था, लेकिन उसने वो बंद करवा दिया, उनके खिलाफ वो खड़े हो गए। तो 4 नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं ना कि वो बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, लोगों का अटेंशन बहुत जल्दी इनको मिल जाता है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं, इनके आइडियाज भी एकदम अलग टाइप के होते हैं, या इसको बोल सकते हो आप उल्टे थॉट्स वाले होते हैं, अगेंस्ट थोड़े से है ना, और ये एकदम ही आजाद रहना पसंद करते हैं, ये किसी के अंडर में काम करना इजीली पसंद नहीं करते हैं। और इसी की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है कि ये आजाद रहना चाहते हैं, उसके बाद में ये बाकी लोगों के साथ में इनका जो होता है थॉट वो मैच नहीं कर पाता, इनका सोचने का तरीका अलग है, इनका काम करने का तरीका लगता है अलग है, और ये परफेक्ट तरीके से काम को जिम्मेदारी के साथ खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों के साथ में ये थोड़े से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनके साथ में इनका थोड़ा सा बैलेंसिंग नहीं हो पाता है, उसकी वजह से फिर ये लोग सोचते हैं कि अरे यार मैं अकेला हूँ लाइफ में, मेरे साथ में कोई नहीं है, मेरी बातों को कोई समझ नहीं पा रहा है। तो ये कई बार 4 नंबर वालों के साथ में भी होता है। उसके बाद में इनके पास में दिमागी शक्ति मेंटल पावर बहुत है, नॉलेज इनके पास में नहीं होना चाहिए फिर तो, क्योंकि नॉलेज तो हमको 3 नंबर से मिलता है ना, तो 3 नंबर से नॉलेज मिलता है, और 3 नंबर अगर आपके पास में नहीं है तो नॉलेज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राहु के पास में नॉलेज होता है, कैसे होता है, क्योंकि वो क्यूरियस होते हैं,
आप किसी भी टॉपिक पे अगर 4 नंबर वालों के साथ में बात करोगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख है, तो वो लोग बहुत सारे सवाल पूछेंगे, नहीं ऐसा है तो ऐसा क्यों होता है, उसमें ऐसा क्या लगा हुआ है, ये कैसे काम करता है, ऐसे मतलब बहुत ही क्यूरियस होते हैं। तो उसकी वजह से क्यूरियोसिटी और लॉजिकल दोनों चीजों से वो सारी चीजों को डीपली स्टडी कर लेते हैं, प्रॉपरली एनालिसिस कर लेते हैं, तो उनके पास में उस चीज का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी और लॉजिक से वो जिस सिस्टम को समझ जाते हैं ना, समझ करके फिर उसमें कुछ चीजें और नहीं डाल देते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ द वे सोचते हैं ना इसकी वजह से। और ये टीम वर्क में बहुत अच्छे होते हैं, टीम के साथ में काम करने में इनको बड़ा मजा आता है। क्यों मजा आता है, यहाँ पर एक चीज हमने देखा है कि लीडरशिप इनको पसंद होती है। तो लीडरशिप में एक चीज बताता हूँ कि 4 नंबर जो होता है ना, वो 1 नंबर के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। 4 नंबर और 1 नंबर दोनों एक जैसे ही है काफी चीजों में। कैसे, 1 नंबर होता है वो तो राजा है, किंग है, और यहाँ पे 4 नंबर है। 4 नंबर वो है जिसके पास दिमाग की अधीनशिप, अपना दिमाग चलाएगा। तो राजा भी फिजिकल जॉब थोड़ी करने की सोचेगा, वो यही सोचता है कि नहीं मैं जो बोलू वही हो, ठीक है ना। तो 4 नंबर और 1 नंबर का कॉम्बिनेशन कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्यों दो दिमाग वाले, दो दादागिरी वाले, दो राजा टाइप के लोग एक साथ से साथ में हो जाते हैं। अभी 4 नंबर वालों का, क्योंकि जो सोच है वो आउट ऑफ द बॉक्स होती है, वो अलग टाइप से सोचते हैं ना, इसलिए इनका लोगों के साथ में नहीं जमता है, और ये लोगों को अक्सर रोकते हैं, अरे यार ये तू गलत कर रहा है, ऐसा मत करो वैसा करो। तो ये कहीं ना कहीं अपनी तानाशाही तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि लोग मेरा कहना माने और मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज हो, वही उनका लीडरशिप टाइप का एक नेचर होता है। और इनको ना पैसों की बड़ी, फाइनेंशियली जो चीज होती है उसकी बड़ी टेंशन होती है, बहुत सोचते हैं ये, उनको लेकर के बड़े पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 4 नंबर वाले लोग है ना बहुत छोटी उम्र में से कमाना शुरू कर देते हैं। अगर आप में से जो भी 4 नंबर वाले ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने छोटी उम्र में कमाना शुरू कर दिया तो बताइएगा, क्योंकि ये लोग है ना पैसों को लेकर के बहुत ही सोचने वाले होते हैं, तो ये क्या करते हैं छोटी उम्र से कमाना शुरू कर देते हैं। और इंटेलिजेंट तो ये होंगे ही होंगे, क्योंकि ये क्यूरियस हैं, लॉजिकल ब्रेन यूज करते हैं, है ना, और इनके पास में मेंटल पावर है, तो ये बहुत इंटेलिजेंट हो गए। तो जिनके पास में दिमाग है, इंटेलिजेंट है, इन लोगों को क्या करना चाहिए, जिसके पास में बॉडी नहीं है तो उसको वैसे काम करने चाहिए जहां पे दिमाग का यूज हो। तो दिमाग का यूज अकाउंट्स में होता है, एस्ट्रोलॉजी में भी पूरा दिमाग का ही यूज है, और जो मैजिशियन होते हैं वो भी अपने दिमाग से ही लोगों को इल्यूजन करने में सक्सेस होते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पे बोला गया है एम्प्लॉयमेंट आर्ट एंड एक्टिंग। तो एम्प्लॉयमेंट को आप कैसे पकड़ोगे, कि अगर समझो अगर किसी कंपनी में अगर स्टाफ को हायर करना है, और वो हायर करने वाला अगर 4 तारीख को पैदा हुआ व्यक्ति है कोई, तो वो क्या करेगा, आउट ऑफ द वे जा करके उसको क्वेश्चन आंसर करके इतने तरीके से टेस्ट करेगा ना, कि वो बेस्ट से बेस्ट बंदे को सेलेक्ट करेगा। लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं ये 4 नंबर वाले, सबके समझ में इजीली आते नहीं है ना, ये अपने आप में मिस्टीरियस होते हैं। इनका काम करने का तरीका, ये कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इनको भी नहीं पता होता है। इनका सबसे बढ़िया चीज ये होता है ना, समझो मोटरसाइकिल खराब हो गई है और साथ में 4 नंबर वाला है, तो मैकेनिक उसको ठीक नहीं कर पा रहा है, वो उसको थोड़ा सा R&D करके ट्राई कर रहा है, पर 4 नंबर वाला इधर ही कुछ वायर इधर उधर हिलाएगा, कुछ कर देगा और वो चालू हो जाएगा। मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है वैसी चीजों को ये लोग कर डालते हैं, और यही चीज 7 नंबर वालों के साथ में भी होती है। तो इनके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स इनका क्या होता है, कि ये लोगों का जो व्यू होता है वो पूरा अपोजिट होता है, मतलब बाकी लोगों का काम करने का तरीका, सोचने का तरीका और इनका तरीका अपोजिट होता है, तो इसकी वजह से लोगों के साथ में ये थोड़े से ज्यादा अच्छे कॉम्पेटिबल नहीं होते हैं। और इनका रिगिड नेचर होता है, नॉट एडजस्टेबल, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला। तो होता क्या है, कई बार के अपोजिट व्यू की वजह से ये गुस्से में भी आ जाते हैं और सामने वाले से बदला लेने तक का सोच लेते हैं। समझो 4 नंबर वाला कोई टीम लीडर है और उसके नीचे लोग काम कर रहे हैं और कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे अगर किसी टीम वर्क जो है, टीम के अंदर किसी ने अच्छे से काम नहीं किया, काम बिगाड़ दिया, तो 4 नंबर वाले तुरंत ही
गुस्से में आ जाते हैं और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि 4 नंबर वालों का एक चीज होता है कि मैंने जो काम किया है उसका रिजल्ट ऐसा आना चाहिए और वो ऐसे होना चाहिए। अगर वो उस सिस्टम के अंदर नहीं हुआ, क्योंकि डिसिप्लिन होता है इनके पास में, तो उस डिसिप्लिन के अंदर अगर वो आउटकम नहीं आया, वो रिजल्ट नहीं आया ना, तो 4 नंबर वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं और ये गुस्से की वजह से कई बार उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे काम आधे अधूरे लटक जाते हैं और वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो 4 नंबर वालों को चाहिए कि वो थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करें, और आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो व्यूज हैं, हो सकता है आपकी टीम के साथ में या फैमिली के साथ में या ऑफिस स्टाफ के साथ में नहीं भी मिलता है, तो वहां पे थोड़ा बैलेंस करके चलिए। जरूरी नहीं है कि जो आप सोचो वही हमेशा सही हो, है ना, क्योंकि हमको लोगों के साथ में रह करके काम करना है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल रखें और आर्ग्यूमेंट से भी बचें, और अपना जो अपोजिट व्यू है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करें लोगों के साथ में। और ये 4 नंबर वालों की बात में एक और अच्छी चीज बोल सकते हैं कि 4 नंबर वाले ना, वो कुछ ना कुछ नया काम ढूंढ लेते हैं। आज म्यूजिक बजाने का अचानक से उनके दिमाग में ख्याल आएगा, थोड़े दिन म्यूजिक पे काम करेंगे, फिर अचानक से वो इंजीनियरिंग का काम लेके बैठ जाएंगे, अचानक से पढ़ाने बैठ जाएंगे। तो ये क्या करते, काम इनको नहीं ढूंढता, ये काम को पकड़ लेते सामने से, इनको बोलना नहीं पड़ता तू ये करूँ, कुछ ना कुछ कीड़ा कांडी या जो भी बोलो अपने हिसाब से, कुछ ना कुछ अपने लिए काम ढूंढ लेते हैं। और इनसे पब्लिक बहुत ज्यादा इजीली अट्रैक्ट हो जाती है, वो तो मैं आपको बोला ही हूँ, क्योंकि इनका काम करने का तरीका, द वे वर्किंग, डिसिप्लिन के साथ में इतना अलग स्टाइल से काम करते हैं ना, तो कि लोग जल्दी ही इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे यार गजब है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। उसके बाद में एक और नेगेटिव पॉइंट है कि इनका दिमाग है वो स्थिर नहीं होता। अब इसको थोड़ा सा समझना कि ये मेंटली बहुत स्ट्रोंग होते हैं और वो जो काम लेके बैठ गए ना उसके अंदर वो एकदम खो जाते हैं, उनको ना फैमिली का पता होता है ना आजू बाजू में क्या हो रहा है उसका पता होता है, फुल टाइम वो उसमें घुसे रहेंगे। लेकिन क्योंकि इनके पास में मेंटल पावर बहुत ज्यादा आती है, एट ए टाइम क्या करेंगे कि वो काम खत्म करने के बाद में दूसरा काम पकड़ लेंगे, फिर तीसरा काम पकड़ लेंगे, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि मेंटली इनका पीस नहीं रहता है, दिमाग कुछ ज्यादा सोचते हैं, उसकी वजह से कई बार क्या हो जाता है कि बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए इनको थोड़ा सा दिमाग को शांत रखिए। उसके बाद में एक चीज और के प्यार में ये लोग कैसे होते हैं, फैमिली रिलेशंस की बात करो या लव अफेयर्स की बात करो, तो ये लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, उस रिलेशन का बहुत अच्छे से केयर करेंगे। लेकिन अगर वो रिलेशन को सामने वाला उस अच्छे तरीके से नहीं निभा पाएगा, तो अगेन ये रिगिड हो जाते हैं, एंगर हो जाते हैं, और आर्ग्यूमेंट के बाद में ये रिलेशन खतरे में आ जाता है। तो वहां पे भी 4 नंबर वालों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप थोड़े से कंपेटिबल हो जाएं, लोगों के साथ में एडजस्ट करना सीख लें, आपके थॉट्स भी हैं उनके थॉट्स भी हैं, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और मन को शांत करने के लिए कोशिश करें कि आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का अगर आप रेगुलरली 108 बार जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा, मतलब आपका दिमाग जो बहुत ज्यादा सोचता है एट ए टाइम, तो ये जो दिमाग का जो ट्रैफिक है ना वो काफी हद तक धीरे धीरे कम हो जाएगा, आप शांत रहोगे और अच्छे से सक्सेस की ओर बढ़ जाओगे। और प्यार की जब बात कर रहे थे तो इनको अर्ली एज में प्यार हो जाता है, बहुत कम उम्र में इनको, छोटी सी उम्र में भी ये लोग है ना प्यार में पड़ जाते हैं, और इनका प्यार करने का तरीका भी बड़ा अटपटा होता है। ये अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ में या अपने से छोटी उम्र के लोगों के साथ में प्यार में पड़ जाते हैं, और आउट ऑफ द कास्ट भी चले जाते हैं ये लोग, मतलब इनके लिए कोई भी वो चीज नहीं होती है। इनको ऐसा नहीं है कि हमारी कास्ट का चाहिए, मेरी एज का चाहिए, ये किसी भी तरीके से प्यार की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था 4 नंबर के बारे में, और 4 नंबर और 1 नंबर दोनों एक जैसे हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 नंबर को 1 नंबर के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, तो
तो कई बार ऐसा होगा कि समझो आपका 4 तारीख को पैदा हुए हो और आपकी फैमिली में कोई 1 तारीख को पैदा हुआ है, मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में 1 और 4 नंबर का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 4 नंबर है वो अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेगा और 1 नंबर अपनी तानाशाही दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 1 नंबर राजा है। तो ये कंडीशन में होगा क्या कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कंपेटिबल नहीं हो पाते, छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं रिलेशन में। और एक 4 नंबर की एक लास्ट चीज मुझे याद आई, 4 नंबर वालों को इजीलिए कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। कोई दुकानदार हो, कोई मैकेनिक हो, कहीं पर भी, मतलब इनको बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट है, ये क्यूरियस भी है, लॉजिकल भी है, और इनोवेशन भी है इनके पास में। तो समझो अगर वो अपना बाइक सर्विस के लिए ले जाते हैं और उसको ऑयल नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई मैकेनिक ये बोले कि नहीं इसमें ऑयल डालना ही पड़ेगा, तो ये उसके साथ में भिड़ जाएंगे कि मेरा तो ऑयल अभी रिप्लेस किया है, गाड़ी के इंजन में ऑयल है, क्या जरूरत है ऑयल डालने की। तो इनको बेवकूफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इजीली हर कोई इसको नहीं बना सकता है। उसके बाद में ये अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे ये आराम से बात कर सकते हैं, लंबा चौड़ा कोई इश्यू नहीं होता इनको भी, क्योंकि इनके पास में क्या होता है, क्यूरियस और लॉजिकल जो उनका एक प्लस पॉइंट है, उसकी वजह से इनके पास में छोटे छोटे टॉपिक्स पे है ना बहुत ही डीपली नॉलेज होता है। मतलब ये हर जो भी इनके पास में कोई टॉपिक आ गया, सब्जेक्ट आ गया ना, तो उस सारे सब्जेक्ट में वो इतना डीपली घुस करके स्टडी करते हैं, जहाँ पे वो अपना क्यूरोसिटी भी यूज करेंगे, लॉजिक पावर भी यूज करेंगे, इंटेलिजेंट भी यूज करेंगे, उसके बाद में जाकर के वो उसको अच्छे से समझ जाते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी टॉपिक पे आराम से घंटों बात कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों नंबर 4 के बारे में। द धर्म न्यूमरोलॉजी के साथ में आप बने रहिएगा, और अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह चल रही है तो आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टेरो, किसी भी एंगल से अगर आप लोग हमसे डिस्कस करना चाहें तो आप फ्री में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम किसी प्रकार का कोई चार्जेस, कोई फीस वगैरह किसी से नहीं ले रहे हैं, ये सिर्फ एक लोगों के लिए सेवा है। तो आप भी जुड़िएगा हमारे साथ में और इस सेवा के काम में लगिएगा। शुक्रिया दोस्तों।